What is good, everybody? Welcome back guys to the channel. And ये वीडियो जो है guys, ये थोड़ी सी अलग है. लाइक इसमें ऑफकोर्स यहाँ पे जो आप सामने देख रहे हो कुछ क्लिप्स जो मैंने बैकग्राउंड के लिए यूज किए हैं, कुछ राइडिंग के है, सॉर्ट ऑफ लाइक मोटो व्लॉग के है. तो ये जो है guys, कुछ दिनों पहले मैंने रिकॉर्ड किया था एंड कुछ दिनों पहले जो है एक इवेंट था, इवेंट नहीं कहूंगा, एक प्ले टेस्ट था एक ई स्पोर्ट एडिशन का इंडस का, जिसे मैं आपसे प्रीवियसली शेयर करता ही था. एंड ये जो था ये एक थोड़ा मेजर वाला था, आई मीन ई स्पोर्ट एडिशन. एंड ऊपर से जो है guys, ये इनके ऑफिशियल लाइक ऑफिस में था, ठीक है, हेडक्वार्टर्स में था, जो कि यहाँ पे पुणे में है. एंड जैसे मैं मुंबई से हूं तो यहाँ पे जो गाइस मैं थोड़ा यू नो बाइक चला के जो है पुणे चला गया. इट्स लाइक 155 किलोमीटर. तो बहुत मजा आया. आई मीन मुझे पर्सनली बाइक चलाना या फिर आई लव राइडिंग इन शॉर्ट, ठीक है, मुझे यहाँ पे डिस्टेंस मैटर नहीं करता. सो अपन जो है गाइस अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी लेके जो है गाइस यहाँ पे निकल गए. बहुत बहुत मजा आया, वेदर भी बहुत अच्छा था. सैडली जो है गाइस जो बैकग्राउंड में यहाँ पे बाइक राइडिंग की वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे जो है गाइस मेरा इंटरनल ऑडियो, आई मीन इंटरनल ऑडियो नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ यार, मेरा जो है गाइस यू नो हेलमेट के अंदर का वॉइस इतना अच्छी तरीके से डिटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि एक डेडिकेटेड माइक मैंने कैरी नहीं किया था या फिर नहीं है मेरे पास. बट मैं सोच रहा हूँ यू नो लाइक हेलमेट के अंदर एक माइक फिट करने का. सो उस वजह से जो है गाइस मैं यहाँ पे यू नो जो हेलमेट के अंदर बकबक कर रहा था, जो कि मैंने इतनी नहीं की क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे वॉइस डिटेक्ट नहीं होगा. सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. सो पुणे तक जो है गाइस जाते जाते बहुत सारी कुछ खूबसूरत यहाँ पे रोड्स है एंड ऑल्सो लोनावला भी आ जाता है यू नो पुणे एंड मुंबई के बीच में. सो मोस्टली जो है गाइस मैंने वहाँ की थोड़ी सीनरी जो है या फिर वहाँ के रोड्स राइड करते वक्त मैंने रिकॉर्ड किया है. Damn man, साला वो रोड से कुछ दिख ही नहीं रहा था. एंड राइट अवे दिस ब्यूटीफुल व्यू मैन, लुक एट दिस. Damn, कड़क भाई, बारिश तो है ही नहीं, दैट्स अ गुड थिंग. लेकिन जो व्यू आ रहा है ना, जबरदस्त कड़क है भाई. आई मीन ये रोड से जाना नहीं है, लेकिन ये व्यू के लिए मैंने थोड़ा सा टर्न लिया. और आई थिंक ये नीचे वाला एक्सप्रेस वे है जहाँ पे बाइक चला रहा है, सब नॉट रॉन्ग. नाइस नाइस. एंड यहाँ पे जो था डेस्टिनेशन या फिर जो मेन मकसद था वो था यहाँ पे पुणे में सुपर गेमिंग के हेडक्वार्टर्स पे पहुंचना. वहाँ पे जो था गाइस मतलब माहौल तो एक नंबर था भाई, मतलब इतना मजा आया ये प्ले टेस्ट एडिशन में जाने के बाद एंड वहाँ पे खेलने के बाद, वो गेम खेलने के बाद, वो एनवायरमेंट जो वहाँ पे क्रिएट हुआ था. एंड मैं बस अकेला नहीं था क्रिएटर्स के कैटेगरी में, और भी बहुत सारे क्रिएटर्स थे जो यहाँ पे इस इवेंट में आए थे. एंड ऊपर से जो है गाइस पूरी ऑफिशियल टीम को मिलने का मौका मिला, उनकी क्या स्ट्रेटेजी है गेम को लेकर, फ्यूचर प्लान क्या है, एंड ऑल्सो अंदर जो है गाइस उनका स्टूडियो रिकॉर्ड करने का भी मौका मिला. एंड भाई सच्ची में यार मतलब मजा आ जाता है यार. ऑफ कोर्स मेहनत भी उतनी लेते हैं टीम, लेकिन जो वहां का वर्क एनवायरनमेंट है वो भी जो है गाइस मतलब बहुत ही चिल है. जो उनके सीईओ भी है रॉबी करके, तो वो भी जो है बहुत बहुत कूल है. देखा जाए तो पूरी टीम जो है एक साथ मिलकर जो है हर एक सेक्शन पे जो है गाइस काम कर रही है. एंड यहाँ पे जो मैं आपको अभी स्टूडियो का टूर दिखाऊंगा, आई मीन मैंने ऑफिशियली ऐसे कुछ वॉइस ओवरले नहीं किया है, मैं अभी यहाँ पे जो है गाइस आपको समझाऊंगा. तो एक फ्लोर जो है गाइस पूरा का पूरा इनका है और इसके अंदर जो है गाइस जिम है, यू नो लाइक थोड़ा सा कैजुअल एरिया भी है जहां पे बाहर जाके चिल करके खाना पीना खाने के लिए कुछ सिटिंग अरेंजमेंट है. कॉन्फ्रेंस रूम है जहां पे हमारी भी एक मीटिंग हुई सॉर्ट ऑफ, उसके अंदर की तो ऑफ कोर्स फुटेज यहां पे किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया है क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंशियल था. गेम के बारे में थोड़े इनसाइडर्स वाले इन्फो थे, ठीक है, जो आपके भाई को पता है. बट जैसे जैसे टाइम मिलेगा, जैसे जैसे अप्रूवल होगा, वैसे जो है गाइस मैं आपसे शेयर करता रहूंगा. लेकिन यहां पे कुछ चीज है जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं, जैसे कि गेम की साइज, ऑफ कोर्स रिलीज डेट हमें भी नहीं पता, उन्होंने जो है गाइस क्लियर कट यहां पे नहीं कहा रिलीज डेट के बारे में. लेकिन गेम जो हमने उस प्लेटेस्ट में खेला बहुत बहुत अच्छा था. इस प्लेटेस्ट में ऐसे लगा कि गेम प्लेएबल है, ठीक है, जो हमने सूरत में खेला था वो जो थर्ड प्लेटेस्ट था उसमें कुछ कमियां थी, यू नो कुछ ऐसा अनफिनिश प्रोडक्ट लग रहा था. लेकिन अभी ऐसा भी नहीं कहूंगा पूरा फिनिश प्रोडक्ट है, गेम स्टिल अंडर डेवलपमेंट में है. लेकिन जो क्रूशियल चीजें होती है बीआर की या फिर गेम की, एफपीएस गेम की, तो वो जो है गाइस यहां पे अच्छी तरीके से आई थिंक उन्होंने नेल कर दी है. और थोड़ी फर्निशिंग की जरूरत है जो कि वो लोग आने वाले अपडेट्स या फिर आने वाले प्लेटेस्ट में करके हमें फिर से खेलने का मौका देंगे एंड पता चलेगा कि कितना गेम डेवलप हुआ है. एंड यहाँ पे जो है शायद से 3-4 राउंड हुए एंड एट द लास्ट भी जो है हम ऑफिशियल उनके यू नो लाइक पूरी टीम के साथ उनके साथ खेल रहे थे. सो जो एक्सपीरियंस था वो तो जबरदस्त था, थैंक गॉड मैं यहाँ पे गया. एंड ये कुछ स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं है, ठीक है, मैं क्लियर कट स्टार्टिंग में नहीं, आई थिंक वीडियो भी आई मीन स्टार्टिंग में कहना चाहिए था, बट ये जो है ये कुछ मेरे लिए स्पॉन्सर्ड नहीं था, ठीक है, खुद के खर्चे पे मैं गया था पेट्रोल चलाकर. तो ये जो था ये मेरे लिए स्पॉन्सर्ड नहीं था, बाकी जो 10 क्रिएटर्स थे उनको यहाँ पे मौका दिया गया था. लेकिन हम जो है हम इस गेम
को स्टार्टिंग से कवर कर रहे हैं क्योंकि मुझे पर्सनली इंटरेस्ट है इस गेम में, तो उस वजह से जो है गाइस मैं इस प्लेटेस्ट में गया अपने खर्चे में। तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं बस यू नो लाइक बायस्ड रिव्यू दे रहा, ऐसा नहीं है। अगर कुछ गलत लगता है तो वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। बट जैसे आप यहाँ पे इनका स्टूडियो देख रहे हो, बहुत जबरदस्त स्टूडियो है जो इनके भाई स्टूडियो के अंदर गियर्स है, मॉनिटर, यू नो लाइक पीसी एंड ऑल। आपको तो पता ही है मुझे पीसीज एंड टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड है, तो जो इनके पास गियर्स थे भाई एक नंबर है यार। उसी के साथ जो है हम क्रिएटर्स को यहाँ पे की तरफ से जो है मर्चेंडाइज भी मिला है, जिसमें बैग है, बॉटल है, उसके बाद माउस पैड है, जो कि आई थिंक अभी मेरे पास ये दूसरा माउस पैड होगा, थर्ड प्लेटेस्ट के टाइम भी मुझे मिला था। तो बहुत बहुत अच्छा है, मर्चेंडाइज भी बहुत क्वालिटी उनकी अच्छी है। और उसी के साथ जो है इस इवेंट के जरिए मैं कुछ अपने सब्सक्राइबर से भी मिला जो अभी पुणे में रहते थे, तो बहुत अच्छा लगा मिलजुल के, बहुत अच्छा लगा घुल मिल के इन शॉर्ट। एंड गाइस अगर मैं आपको गेम के रिलेटेड कुछ इन्फो दूं यहाँ पे जो है, ज्यादा तो मैं यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे नॉर्मल सवाल है जिसके भाई गेम की साइज क्या होगी, ठीक है। तो उसके बारे में एक ठोस सबूत पता चल गया कि गेम की साइज जो है गाइस लॉन्च होने के पहले या फिर वो लोग का जो विजन है लॉन्च के टाइम, वो जो है गाइस 1 GB के आसपास है, ठीक है, 1 GB के अंडर ही है, आसपास भी नहीं, 1 GB के अंडर ही उनका जो है गाइस टारगेट है। एंड ऑफकोर्स आने वाले दिनों में या फिर आने वाले अपडेट्स जैसे जैसे गेम के अंदर आएंगे, न्यू मैप आएगा, न्यू सिस्टम वगैरह जो भी है, न्यू फीचर्स या फिर न्यू कंटेंट आएगा, तब जो है गाइस गेम की साइज बढ़ेगी, जो कि गाइस लॉजिकली बनता ही है। बट फिलहाल के टाइम में ये जब गेम लॉन्च होगा ये 1 GB के अंडर ही होने वाला है। एंड यहाँ पे जो है गाइस टेंशन नहीं लेना, ये लो एंड डिवाइसेस के लिए भी बहुत बहुत अच्छी तरीके से चलेगा। उनका जो विजन ही है गेम बनाते वक्त वो ऐसा ही है कि गेम जो है मिड रेंज में भी जो है गाइस अच्छी तरीके से इन द सेंस 60 FPS पे चले, ठीक है। तो ये जो इनका इनका टारगेट है। एंड फिलहाल के टाइम में मुझे गेम मैंने जब गेम खेला तब तो गाइस मुझे लगता है कि ये लोग ने जो है ये अचीव तो कर ही लिया है, बट फिर भी जब ये ग्लोबली लॉन्च होता है तब देखेंगे। एंड रही बात अबाउट द लॉन्च डेट, नहीं है, ठीक है, पता नहीं है, सच्ची मैं कह रहा हूँ मुझे भी पता नहीं है, अदरवाइज मैं कुछ हिंट दे देता, लेकिन आने वाले कुछ मंथ्स में शायद से कुछ और धमाकेदार चीज देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो गाइस स्टे ट्यून्ड रहना चैनल पे, एंड डेफिनेटली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी डू गिव इट अ लाइक। और इसके साथ जो है अगर आपको खुद से कुछ यहाँ पे फीडबैक देना है गेम से रिलेटेड या फिर कुछ भी है, यू नो इंडस की इस गेमिंग टीम को कुछ अगर फीडबैक देना है, कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट्स दे देना, आपकी राय दे देना, यहाँ पे जो है डेफिनेटली शायद से वो लोग पढ़ेंगे, पढ़ना तो चाहिए यार। इतना आज के इस वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है डू गिव इट अ लाइक। एंड मैं मिलूंगा गाइस आपसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या फोटो लेना है? हाँ, एक मेरा कितना 3x में निकालना, यही सेटिंग फोटो आना निकाल इसका ब्राइटनेस बढ़ा दो ना, समझ में पोर्ट्रेट होती है। हाँ ठीक। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय।